हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आज हम चने की दाल से फर्रा बनाएंगे। इसमें उड़द की दाल भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ चने की दाल भिगो ली थी ये 6 घंटे पहले, और इसे हम पीस लेंगे थोड़ा मोटा मोटा। थोड़े से धनिया के पत्ते काट लिए हैं, 8-10 कलियाँ लहसुन की ले ली हैं, और 2 हरी मिर्च ले ली हैं, 2 लाल मिर्च ले ली हैं, थोड़ी सी अदरक है, आधा चम्मच जीरा है। तड़के में आप जीरा भी ले सकते हैं, सरसों भी ले सकते हैं। और मसाले में गरम मसाला है आधा चम्मच, आधा ही चम्मच हल्दी पाउडर है, और 1 छोटा चम्मच नमक है। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको लाल मिर्च पाउडर डालना है वो भी डाल सकते हो, तो मैं वो नहीं डाल रही हूँ। इधर मैंने आटा ले लिया है गूंदा हुआ, और ये चावल का आटा गूंद लिया है। चावल के भी बना लेंगे हम और आटे से भी बना लेंगे। सबसे पहले हम दाल पीस लेते हैं। ये सारा सामान मैं दाल में डाल के ही पीस लूंगी। ये मिर्च धनिया में काट लेंगे हम, 1 मिर्च डाल लेंगे धनिया में। और ये मैंने 1 पिंच हींग भी ले ली है, ऑप्शनल है, ये आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले दाल पीसते हैं हम। दाल मैंने पीस ली है, और ये मसाले इसी में मिक्स कर लेंगे हम। और इधर मैंने कढ़ाई में पानी रख लिया है उबालने के लिए। इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल लिया है, और आधा चम्मच नमक डाल लिया है, क्योंकि फर्रे इसी में उबलेंगे। अब हम बनाने शुरू करते हैं। हल्का सा मैं तेल का हाथ, रिफाइंड का हाथ लगा लूंगी आटे पे, ताकि चिपके ना। पहले हम थोड़ी सी ये गोलियां बना के रख लेते हैं इसकी। अब इन्हें हम पूरी के आकार का बना लेंगे, गोल गोल। मैं ज्यादा मोटे मोटे नहीं बनाऊंगी, थोड़े पतले ही बनाएंगे हम। अब हम थोड़ी सी ये पिसी हुई दाल इसमें रखेंगे बीच में, और इसे गुजिया के जैसी शेप दे देंगे। आप इन्हें ऐसे दबा भी सकते हो और खुला भी रख सकते हो। वैसे हल्का सा दबाना ही सही रहता है ये, ताकि दाल निकले ना बाहर। तो हम ऐसे ही बना लेंगे पहले सारे। इतने में हमारा पानी भी उबल जाएगा। पानी में उबाला आ गया। पानी हमें इतना डालना है जो ये इसमें डूब जाए। तो हम थोड़े थोड़े करके बनाते रहेंगे और इसमें डालते भी रहेंगे। पहले हम आटे के बनाएंगे थोड़े से। आटे वाले फर्रे हमारे उबलने शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। अब हम चावल से भी बना लेंगे, चावल के आटे से। हथेली पे ही रख के बना सकते हैं, या आप पोलोथीन बिछा के उसमें भी बना सकते हो इन्हें। ये थोड़े मोटे मोटे ही बनते हैं। इसको भी इसी तरह बना लेंगे हम। इसे 5 से 7 मिनट हो गए हैं पकते हुए, और ये ऊपर आ गए हैं सारे पक्के। अब हम इन्हें 2-3 मिनट के लिए और रखेंगे, फिर इन्हें हम निकाल लेंगे। जब ये पकने शुरू हो जाते हैं तो ऊपर आ जाते हैं ये सारे पक्के। गैस को बंद करके इन्हें निकाल लेते हैं हम। 10 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। आप इन्हें भाप स्टीम करके भी बना सकते हैं, जैसे मोमोज बनाते हैं हम लोग, ऐसे ही इन्हें स्टीम करके भी बना सकते हैं। इन्हें थोड़ा हम पहले ठंडा होने देंगे, इनका पानी सुखा लेंगे। ये जो ऊपर पानी चमक रहा है इनमें, इनके हम 2 टुकड़े कर लेंगे ऐसे फ्राई करने के लिए। रिफाइंड ऑयल मैंने रख लिया गैस पे, और ये गर्म हो गया है। यहाँ पे आप जीरा, सरसों के दाने या राई के दाने डाल लो, और फर्रों को अब हम फ्राई कर लेंगे। पलट लेते हैं इन्हें एक एक करके। ज्यादा नहीं पकाना है इन्हें हमें, हल्का सा बस फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से। पहले फ्राई कर लिए हैं हमने, आप सारा एक साथ भी कर सकते हैं फ्राई। मैं थोड़े थोड़े करके करूंगी इन्हें। फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें ऊपर से धनिया और लाल मिर्च मैंने काट के रखी थी वो डाल लूंगी। आप इसमें कड़ी पत्ते का भी छौंक लगा सकते हो। निकाल लेते हैं हम, और इसे आप सॉस, चटनी से, किसी भी चीज से खा सकते हो।